अबे यार आधा घंटा हो गया सिंचैन, तू तो कह रहा था कि किंग चैन तो मछली पकड़ने में एकदम माहिर है, इतनी देर में तो बंदा पूरे शहर के लिए मछलियां पकड़ ली और किंग चैन से तो एक मछली हाथ नहीं लगी अभी तक। मुझे लगता है मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा, मुझे ही कोई मछली पकड़ के लानी पड़ेगी। अरे किंग चैन क्या कर रहा है, क्यों मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है तू? हम लोग तो दरिया के बीच में आ चुके हैं लेकिन अभी तक तुझसे मछली नहीं पकड़ने हुई। सिंचैन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, कोई भी मछली हाथ नहीं लग रही। वो तो अपने गाँव का एरिया था जहाँ पर मैं एकदम से मछली पर जाल फेंकता था और मछली मेरे काबू में आ जाती थी। मुझे लगता है ना सिंचैन तू तो झूठ बोल रहा था कि किंग चैन मछलियाँ पकड़ने में माहिर है। लगता है ना आज हमें ना फिर से होटल से खाना खाना पड़ेगा, अपनी मछली तो हाथ नहीं लगेगी आज। चलो यार बहुत हुआ, हम लोग ना मछली वगैरह नहीं पकड़ते, चौपर मैं तो जा रहे हैं। सिंचैन और किंग चैन तुम लोग यहीं पर रुको, जब मछली हाथ लग जाए ना तो फिर मुझे बता देना। तब तक मुझे लगता है ना चौपर मैं ना पेड़ पूजा करके आ जाए। प्रकीन भैया मुझे भी आपके साथ जाना है, मेरे भी पेट में काफी जोर जोर से चूहे नाच रहे हैं, मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। तुम दोनों तो मछलियाँ पकड़ने वाले थे, लगता है ना इनको भी भूख ने आराम नहीं करने दिया। तो फिर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, यहाँ से निकलते हैं। चलो मैं आज तुम लोगों को ना अपने फेवरेट होटल के अंदर लेकर जाता हूँ और वहीं पर तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा। आज किंग चैन भी हमारे साथ है तो मुझे लगता है ना जो तुम लोगों का दिल करे ना वो तुम लोग मंगवा लेना। जल्दी से गाड़ी को भगाना पड़ेगा, एक मिनट रुकना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, सिंचैन किंग चैन और चौप तुम लोगों को भी नजर आया जो मैं देख रहा हूँ? हाँ प्रकीन भैया, सामने की तरफ तो कैप्टन अमेरिका है। मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका को किसी ने बड़े बुरे तरीके से मारा है, पर ये है कौन हमें देखना पड़ेगा। सिंचैन किंग चैन और चौप मुझे जाकर देखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर छुप जाते हैं और देखते हैं चल क्या रहा है। ये तो मुझे ना कैप्टन अमेरिका का दुश्मन नजर आ रहा है। कैप्टन अमेरिका तूने देख ली ना मेरी पावर, मुझे पता है सारे विलन गोल्ड में अपग्रेड हो रहे हैं और सुपर हीरो भी। अब तक कैप्टन अमेरिका तू नहीं अपग्रेड हुआ था गोल्ड में, इसलिए मैंने मौका देखते ही तुझे मार डाला। अब तुझे ऐसा मारा तू उठ नहीं पाएगा कभी भी, रेड स्कल की पावर का मुकाबला अब कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं शहर के अंदर तबाही मचाऊंगा और इस शहर को लूटूंगा। रेड स्कल तू बहुत बुरा करके जा रहा है मेरे साथ, तू सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि तू मुझे जिंदा छोड़ के जा रहा है। तूने खुद को तो गोल्ड में अपग्रेड कर लिया है लेकिन कैप्टन अमेरिका भी खुद को गोल्ड में अपग्रेड करेगा और फिर तू उस टाइम बचेगा नहीं, इसलिए अच्छा मौका है तू मुझे मार डाल। नहीं मैं तुझे ऐसे ही जिंदा तड़पते हुए छोड़ के जाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि मरना किसे कहते हैं। कैप्टन अमेरिका अब तू इस जगह पर तड़प कर मरेगा और मैं मचाऊंगा तबाही, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अरे वो तो जा चुका है, मुझे भी जल्दी से भाग कर जाना पड़ेगा। अरे कैप्टन अमेरिका ये तो तेरा दुश्मन था पर ये है कौन और इसने तो तुझे बड़े बुरे तरीके से मारा है। फ्रैंकलिन ये रेड स्कल था, रेड स्कल ने खुद को गोल्ड में अपग्रेड कर लिया है। तुम्हें पता तो है ही अवेंजर्स टीम के अंदर कितने ही ज्यादा काम होते हैं और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं खुद को गोल्ड में अपग्रेड कर पाऊँ। टोनी स्टार थोर ने खुद को तो अपग्रेड कर ही लिया है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रेड स्कल ने मुझे बड़े बुरे तरीके से मारा है और वो इस शहर को तबाह करने के लिए निकल चुका है। अब तुम ये जो मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें कैप्टन अमेरिका के सूट को गोल्ड में अपग्रेड करना होगा और उसके बाद तुम रेड स्कल को मार सकते हो। अबे क्या, कैप्टन अमेरिका के सूट को भी अब मुझे गोल्ड में अपग्रेड करना पड़ेगा? भाई शायद इसे पता नहीं है टोनी स्टार के सूट को भी, सुपरमैन के और थोर के सूट को मैंने ही तो गोल्ड में अपग्रेड किया है, वो सब लोग मेरे पास ही आए हैं। मुझे लगता है अब कैप्टन अमेरिका की भी मुझे मदद करनी पड़ेगी। वैसे भी मुझे काफी ज्यादा मजा आता है गोल्ड के सूट में अपग्रेड होने का, तो और भी अलग मजा है। हम लोग देख पाएंगे कि कैप्टन अमेरिका का गोल्ड का कौन सा सूट हमें मिलता है। ठीक है कैप्टन अमेरिका मैं रेडी हूँ, पर मैं ऐसे कैसे तेरे सूट को गोल्ड में अपग्रेड कर सकता हूँ? मेरे पास तो ना ही कोई पावर है और ना ही कैप्टन अमेरिका तेरा कोई सूट है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक कैप्टन अमेरिका का सूट है जिसे पहनने के बाद तुम कैप्टन अमेरिका के गोल्ड सूट में अपग्रेड हो सकते हो। तो ठीक है फिर कैप्टन अमेरिका मुझे वो सूट दे दे, मैं रेडी हूँ। तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ये सूट देने वाला हूँ। ओके, ये कैसा सूट दे दिया कैप्टन अमेरिका तूने? अबे ये तो कैप्टन अमेरिका तेरा बहुत ही ज्यादा पुराना सूट मुझे नजर आ रहा है। अरे इससे मैं क्या ही अपग्रेड हो पाऊंगा गोल्ड में? कहीं पर मुझे रेड स्कल मिल गया, उसने तो मुझे छोड़ना नहीं है। इस सूट के अंदर ना ही तेरी शील्ड है और ना ही कोई पावर। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सूट को अपग्रेड करना होगा सबसे पहले। जैसे ये सूट अपग्रेड होता जाएगा और लास्ट में तुम बन पाओगे गोल्ड कैप्टन अमेरिका और उसके बाद ही तुम रेड स्कल को मार डालना। मेरे पास सिर्फ यही सूट है, अब तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, सोचने का टाइम नहीं हमारे पास। अरे गाइस किस मुसीबत में फंसा दिया, एक घटिया सा सूट देकर अब इसे कह रहा है कि मैं इसे गोल्ड में अपग्रेड करूं। सिंचैन किंग चैन और चॉप मुझे लगता है ना तुम लोगों को कैप्टन अमेरिका के साथ ही अब जाना होगा, आज का प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो किसी न किसी सुपर हीरो की मदद करनी पड़ती है हमें। मुझे लगता है ये सारे सुपर हीरो ना बस नाम के ही सुपर हीरो है। भैया हम तो सोच रहे थे कुछ अच्छा करने के लिए मिलेगा लेकिन आप
तो हम अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा है फ्रैंकलिन भैया जाएंगे और हम लोग ना पेड़ भर कर खाएंगे कैप्टन अमेरिका के साथ। फ्रैंकलिन भैया को बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल चुकाएगा कैप्टन अमेरिका। ओके ठीक है, फिर तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ मुझे जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ना इस सूट को अपग्रेड करना है गाइस। ये सूट इतना ही ज्यादा पावरफुल नजर नहीं आ रहा मुझे। वैसे मैं जंप मार कर देखता हूँ, हो सकता है हम लोग फ्लाई कर पाए। ओके थोड़ी बहुत तो हमारी जंप बड़ी हो ही चुकी है, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से भागकर। ओके गाइस भागकर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ। और ये मैं सामने की तरफ क्या देख रहा हूँ, लाइफ इन्वर्टर ऑफिस के बाहर, ये तो गैंग की वैन है। ये वैन तो गैंग वाले इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर लाइफ इन्वर्टर ऑफिस के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा, इन लोगों को लाइफ इन्वर्टर के ऑफिस से मिलेगा क्या। ऐसे खड़ा होकर मैं देख लेता हूँ। और तुम लोगों ने जितना गोल्ड छिपा कर रखा है सारा गोल्ड बाहर निकालो। मुझे पता चला है $1,00,000 का गोल्ड इस लाइफ इन्वर्टर के ऑफिस में आया है। सिर्फ तुम लोग ये थोड़ा सा चिन्नी सा गोल्ड मुझे दिखा रहे हो, लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। देखिए सर, जितना भी गोल्ड था हमने आपके सामने रख दिया। अरे बबलू लगता है हमें मार डालेगा। सर और गोल्ड नहीं है हमारे पास, प्लीज हमें छोड़ दो। ओके सामने की तरफ तो मुझे गाइस गोल्ड नजर आ रहा है, यानी कि ये गैंग वाले इस गोल्ड के लिए आए हैं। अगर मैं इन गैंग वालों को मार डालता हूँ तो ये गोल्ड मुझे मिल सकता है। मुझे किसी तरह करके उन्हें मारना पड़ेगा, हो सकता है इस सूट के अंदर थोड़ी बहुत पावर हो, वो तो जाकर देखना ही पड़ेगा मुझे। अब मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और इन्हें एक एक को मैं सबक सिखाता हूँ। पहले तो मैंने इसे मारा, ये दूसरे को और ये तीसरे को। अरे ये क्या, ये लोग तो मुझ पर शूट करने शुरू हो चुके हैं। और गाइस ये क्या, ये लोग तो मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इन्हें पता नहीं है मैं कितना ही ज्यादा पावरफुल हूँ। ओके ये सारे के सारे मारे जा चुके हैं और इन गैंग वालों ने तो इन दोनों को भी काफी बुरे तरीके से मारा है। मुझे लगता है जब तक पुलिस वाले आएंगे मुझे ये गोल्ड उठा कर ले जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मैंने इन गैंग वालों को मार डाला है और बाकी वो जो दो कैदी बना कर रखे थे वो तो भाग चुके हैं यहाँ से। तो जल्दी से कलेक्ट करते हैं इस गोल्ड को और देखते हैं मुझे कितने गोल्ड पॉइंट मिलते हैं। ओके मैंने इस गोल्ड को तो कलेक्ट कर लिया है और मुझे मिले हैं पूरे 2000 गोल्ड पॉइंट। मुझे लगता है मैं कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ, तो जल्दी से यहाँ से भाग कर निकलते हैं। ओके जंप करते हैं और पहुँचते हैं सीधा इस बिल्डिंग के ऊपर। गाइस जंप करके तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, तो आप लोग रेडियो मेरे साथ क्योंकि मैं अपग्रेड करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका के इस सूट को। ओके 1 2 3 एंड गो। ओके गाइस फाइनली मैं इस सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो क्या ही अमेजिंग बिजलियां निकल रही है कैप्टन अमेरिका के इस सूट से। मुझे लगता है इस सूट के अंदर मुझे पावर भी मिल चुकी है, तो मुझे भागना पड़ेगा। भाग तो मैं काफी खतरनाक तरीके से और फ्लाई भी कर रहा हूँ। अरे वाह, कैप्टन अमेरिका के इस सूट के अंदर फ्लाइंग पावर भी है और भागने में तो मैं काफी ज्यादा तेज हूँ। गाइस अब मुझे ना और भी ज्यादा गोल्ड को कलेक्ट करना है ताकि मैं कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो पाऊँ। ओके मैं भागकर तो इस साइड पर आ चुका हूँ। ये क्या मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कोई चैलेंज वगैरह अनाउंस करवाया गया है, तो मुझे भी इस चैलेंज के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। जल्दी से जाते हैं और बात करता हूँ मैं इससे। हमें एक और बंदे की जरूरत थी, तुम आ चुके हो और ये चैलेंज मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। तुम इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा पूरे $2,00,000 का गोल्ड और अगर हार जाते हो तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, पर ये प्रोफेशनल रेसर तुम्हें जीतने नहीं देंगे। वो तो देख ही लूंगा गाइस, मेरा नाम इसने एंटर कर दिया ये बहुत बड़ी बात है, और ये प्रोफेशनल रेसर देखते हैं मुझसे कैसे जीत पाते हैं। तो रेडियो में ये चैलेंज करने के लिए, तो गाइस देखते हैं बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला ये चैलेंज। ओके ये लोग तो बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं, देखता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा तेज भगाता है बाइक को। अरे वाकई में ये लोग तो काफी स्पीड से जा रहे हैं। ये गाइस मैंने पहले वाले को क्रॉस मारा और ये देखो इन दोनों को भी क्रॉस मार कर मैं निकल चुका हूँ। ये लोग मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, यानी कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा। गाइस ये बाइक तो इतनी ज्यादा तेज भागने वाली लग नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं काफी स्पीड से भगा रहा हूँ। पर ये फिनिश पॉइंट कहाँ पर है, मुझे लगता है सामने की तरफ ही होगा, वो लोग अभी तक आए नहीं और मैं काफी स्पीड से जा रहा हूँ और ये रहा सामने की तरफ फिनिश पॉइंट और मैंने ये क्रॉस कर दिया। फाइनली ये रहा सामने की तरफ गोल्ड और ये रेसर तो अभी जाकर पहुंचे हैं इन लोगों के सामने। गाइस इस दफा तो 2 ट्रे मिली है मुझे पूरी गोल्ड की भरी हुई, और मैं इन्हें कलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कितने गोल्ड पॉइंट मुझे मिलते हैं, तो जल्दी से इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। ओके मैंने इस गोल्ड को तो कलेक्ट कर लिया है और मुझे
मिले हैं पूरे 10,000 गोल्ड पॉइंट, यानी कि अब मैं कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ। तो जल्दी से मुझे जंप मार के जाना पड़ेगा। ओके, जंप मार के इस साइड पे पहुंच चुका हूँ मैं। ये जगह सेव नजर आ रही है और हम लोग ना इस जगह पर ना कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकते हैं। तो आप लोग रेडियो मेरे साथ, ओके 1 2 3 एंड गो। ओके गाइस, ये सूट भी मुझे मिल चुका है और आप लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है ये, और इसमें मुझे कैप्टन अमेरिका की ये शील्ड भी मिल चुकी है, यानी कि अब मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं भाग कर देख लेता हूँ क्या ये खतरनाक तरीके से भाग रहा हूँ और फ्लाई किया फिर मैंने। हाँ, मुझे इस पावर का तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैं गोल्ड कैप्टन अमेरिका में अपग्रेड नहीं हुआ, यानी कि मुझे और भी सूट में अपग्रेड होना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं गोल्ड कैप्टन अमेरिका के सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ। फिलहाल यहाँ से भाग कर निकलते हैं। ये क्या सामने की तरफ ये कौन है? अबे ये तो मिलिट्री कर्नल और सोल्जर खड़े हैं, पर ये इस साइड पर क्या कर रहे हैं और मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हैं? मुझे जाकर देखना पड़ेगा और इनसे पूछना होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी पावर को हाइड कर लेता हूँ। ये रहा सामने की तरफ मिलिट्री कर्नल। अरे क्या हो गया मिलिट्री कर्नल, तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? कुछ गैंग वालों ने लॉस सैंटोस की गोल्ड की शॉप पर हमला किया था और वो लोग उस शॉप से काफी ज्यादा गोल्ड लेकर इसी साइड से भागे हैं। अब हमें समझ नहीं लग रही कि वो कहाँ पर गए हैं। हमने अपने सोल्जर को चारों तरफ बेचकर चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। उनके पास उस सिटी का लूटा हुआ काफी ज्यादा गोल्ड है। मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम सुपर हीरो हो और तुम पता लगा सकते हो कि वो गैंग वाले कहां पर गए हैं। अगर वो गैंग वाले तुम्हें मिल जाते हैं तो उन्हें छोड़ना मत। हम लोग भी उस गैंग वाले का इसी रास्ते पर वेट कर रहे हैं काफी देर से। अच्छा हुआ मिलिट्री कर्नल ने मुझे बता दिया कि गैंग वाले गोल्ड लेकर भागे हैं। ओके मिलिट्री कर्नल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन गैंग वालों को ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी गोल्ड की तलाश है और मिलिट्री कर्नल ने मेरा काम आसान कर दिया। ओके मैं जल्दी से यहाँ पर ना अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो गाइस भाग कर निकलते हैं यहाँ से। गैंग वाले इसी साइड पर गए हैं, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, मेरी नजरों में एक दफा आ जाए फिर वो बचेंगे नहीं। ओके मैं भाग कर तो इस साइड पर आ चुका हूँ। वो गाड़ियाँ सामने की तरफ ही रुकी है, मुझे लगता है जो गोल्ड चुराया गया वो सामने की तरफ ही होगा। मुझे भाग कर जाना पड़ेगा और वो गोल्ड किसी तरह मैं ले सकता हूँ इन लोगों से। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो काफी ज्यादा गोल्ड छुपा के रखा है। पहले मैं इसको बांटता हूँ। ये सामने की तरफ रहा, ये दूसरे को मारा और ये रहा खड़ा। गाइस एक एक करके तो मैं सबको मार रहा हूँ और ये देखो सारे के सारे मर चुके हैं। बाकी एक गाड़ी के पीछे छुप कर मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, इसे भी मार डाला और ये रहा गोल्ड। गाइस मुझे इस गोल्ड को किसी तरह कलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, मैं तो समझ रहा था ये 3-4 गैंग वाले ही है। ये तो पूरे का पूरा गाइस पल्टन लेकर आ चुके हैं। ये लोग मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास पावर है, इन लोगों की बुलेट का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। एक एक को मैं चुन चुन के मारूंगा। अरे साइड से भी आ रहे हैं ये लोग, मुझे अकेले ही मुकाबला करना है इन लोगों का। अरे बाप रे, ये कितने ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, मैं मारता जा रहा हूँ ये और भी आते जा रहे हैं। अभी गाड़ियों से तो और भी ज्यादा निकल रहे हैं ये लोग। वैसे कैप्टन अमेरिका के सूट की पावर क्या ही अमेजिंग है, एक एक पंच इन लोगों के लिए काफी है। जिसको भी मेरा एक पंच पड़ता है वो तो उठने का नाम ही नहीं लेता। सारी की सारी गैंग वाले मार डाले और काफी ज्यादा लाशें पड़ी हुई है मेरे सामने। मुझे लगता है ना अभी इस गोल्ड को कलेक्ट कर देना चाहिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जल्दी से मैं इस गोल्ड को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ये गोल्ड तो कलेक्ट कर लिया और मुझे मिले हैं पूरे 50,000 गोल्ड पॉइंट। गाइस ये नहीं कि मैं कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ। तो जल्दी से भाग कर निकलते हैं इससे पहले के मिलिट्री कर्नल और सोल्जर ढूंढते हुए आ जाए और उन्हें पता चले ये गोल्ड तो मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये जगह काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है, मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो इस जगह पर ही हम लोग ना अपग्रेड होते हैं कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट सूट में। आप लोग रेडियो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। ओके गाइस, मैं इस सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ। अब तो देखो कैप्टन अमेरिका के पास थोर का हैमर आ चुका है और मेरी शील्ड भी। और गाइस सूट भी कितना ज्यादा अमेजिंग है, कवच देख सकते हो, मेरे फेस पर जो हेलमेट लगा हुआ है, इनके कैप्टन अमेरिका का ये सूट एकदम फ्यूचरिस्टिक है। मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो गोल्ड मिला है मुझे इस सूट के अंदर, लेकिन अभी पूरा गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ कैप्टन अमेरिका। तो भाग कर निकलते हैं इस साइड से। एक मिनट यार, ये अब किसकी कॉल आ रही है? अरे ये तो कैप्टन अमेरिका की कॉल है। अरे हाँ बोल कैप्टन अमेरिका। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मैंने देख लिया है तुमने कैप्टन अमेरिका के 4 अपग्रेडेड सूट तो हासिल कर लिए हैं, बस आखिरी सूट रह चुका है जो कि गोल्ड कैप्टन अमेरिका का सूट है, तुम्हें वो भी हासिल करना होगा। मैं तुम्हें एक चैलेंज पर भेजता हूँ, अगर वो तुम चैलेंज जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा पूरा $1 मिलियन का गोल्ड और तुम कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट गोल्ड सूट में अपग्रेड हो सकते हो।
और फिर तुम्हें उसके बाद रेड स्कूल को नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से उस रैम चैलेंज पर पहुँचो। ओके यार कैप्टन अमेरिका, ठीक है मैं फोन रखता हूँ। अबे गाइस अब मेरे को जाना पड़ेगा, कैप्टन अमेरिका ने तो लोकेशन भेज दी थी और मुझे पता है वो लोकेशन, जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर रखा गया है गाइस वो चैलेंज, और देखते हैं कि गाइस कितना गोल्ड हमें मिलने वाला है और ये चैलेंज कौन सा होने वाला है। ओके मैं इस चैलेंज में पहुंच चुका हूं। ओके ये चैलेंज किसने अनाउंस करवाया है? सामने की तरफ तो मुझे कार्नेज नजर आ रहा है, मुझे लगता है गाइस ये चैलेंज इसी ने अनाउंस करवाया। ओके मैं भी इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, मैं अभी तो देखूँ सुपर हीरो कैसे इस चैलेंज को जीत पाते हैं। ठीक है तुम इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो, जीतने पर तो तुम्हें मिलेगा गोल्ड और हारने पर तुम्हें मिलेगी मौत, कार्नेज के हाथों से तुम्हें मरना होगा। देखता हूँ तुम ये चैलेंज जीत पाते हो कि नहीं, चैलेंज स्टार्ट किया जाए। ओके गाइस इसने तो मुझे कमजोर समझ लिया है, ये समझता है कि मैं ये चैलेंज जीत नहीं पाऊंगा, तो मुझे ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। सबसे पहले जाकर मैं अपनी बाइक को चूज कर लेता हूँ। ओके ये वाली बाइक मैंने चूज कर लिया, अब जल्दी से जाना पड़ेगा। सामने की तरफ तो रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर से गए आगे रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है, यहाँ से भी मुझे तेजी से जाना होगा। ओके तेजी से तो मैं जा रहा हूँ और ये देखो सारे के सारे रास्ते मैंने पार कर लिए। आगे गाइस रेस बूस्टर लगे हुए हैं, इनके ऊपर से मुझे जाना पड़ेगा। अपनी बाइक को भगाया, काफी तेजी से जा रही है अपनी बाइक, और गाइस बाइक तो हवा के अंदर है और फाइनली इस ट्रैक पर मैं पहुंच चुका हूँ। बाइक को आगे ले कर जाना होगा, यहाँ से भी अपनी बाइक को पार कर लिया। ओके घूम घुमा के ओके इस वाले रास्ते से लेकर जाना अपनी बाइक को, नीचे पानी है गाइस, अगर हम लोग गिरे ना तो सीधा मारे जाएंगे। मुझे बाइक को संभाल के लेकर जाना है और मैं इसी तरह करके लेकर जा रहा हूँ आराम आराम से। और कार्नेज ने तो ये चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गाइस। ओके फिलहाल तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता पार कर लिया। गाइस बाइक तो बार बार टकर रही है, कहीं पर नीचे ही ना गिर जाए अपनी बाइक। मैं तेजी से लेकर जा रहा हूँ और गाइस ये जंप करवाया मैंने और फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं इस साइड पर। गाइस ये भी कर दिखाया मैंने, अब आगे की तरफ लेकर जानी होगी बाइक। ओके 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 नीचे नहीं गिरना। वाकई में ये रास्ता तो थोड़ा खतरनाक टाइप मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ी सी बाइक को स्लो लेकर जाना पड़ेगा। ओके ये वाला रास्ता भी मैंने किसी तरह करके पार कर लिया है और अब मैं स्पीड से जाऊंगा। ये लगे हुए स्पीड बूस्टर और ये देखो अपनी बाइक हवा के अंदर और सीधा मैं पहुंच चुका हूँ इस जगह पे। और आगे रखी गई है गाड़ियां गाइस, इन गाड़ियों के ऊपर बैठकर मुझे जाना होगा। ओके इस वाली गाड़ी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है गाइस, अब ये गाड़ी मैं लेकर जाऊंगा और स्पीड से लेकर जानी है गाइस, कहीं पर हम लोग गिर ना जाए। रास्ता तो थोड़ा सा आसान है, गाड़ी की वजह से मुझे ये आसान लग रहा है, वैसे यहाँ से मैं बाइक पर भी जा सकता था लेकिन कोई नहीं, गाड़ी रखी गई तो हमें गाड़ी के जरिए जाना होगा। ओके यहाँ से भी निकला, ओके इस वाली साइड से भी पार कर लिया मैंने। गाइस अब स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, ये स्पीड बूस्टर लगे हुए हैं और हमारी गाड़ी को ये बूस्ट कर रहा है और अपनी गाड़ी हवा के अंदर है गाइस, मुझे सीधा इसी जगह पर लैंड करना है, कहीं पर नीचे ही हम लोग ना गिर जाए। ओके गाइस सेफली लैंड हो चुकी है अपनी गाड़ी, आगे तो हेलीकॉप्टर रखे गए हैं लेकिन उससे पहले ये गोल्ड मिल चुका है मुझे। अरे मुझे तो गोल्ड चाहिए था, फाइनली लगता है मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। गाइस बस किसी तरह करके मुझे ये गोल्ड जल्दी से कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ इसे और देखता हूँ कितने गोल्ड पॉइंट मिलते हैं मुझे। फाइनली इस गोल्ड को तो कलेक्ट कर लिया मैंने और मुझे मिले पूरे 100,000 पॉइंट। गाइस 100,000 गोल्ड पॉइंट के अंदर मैं खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ और देखता हूँ मैं कौन से कैप्टन अमेरिका के सूट में अपग्रेड होता हूँ। तो आप लोग रेडियो मेरे साथ जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं इसे। 1 2 3 एंड गो। फाइनली मैं कैप्टन अमेरिका के गोल्ड सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ, कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है और मैं देखता हूँ क्या स्पीड से फ्लाई कर रहा हूँ मैं सूट के अंदर। और सामने सिटी की तरफ हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा रेड स्कल को क्योंकि उसी ने तो तबाही बचाई है, वो कैप्टन अमेरिका को भागा था मार के, अब देखता हूँ वो कैसे भाग पाएगा। वैसे गोल्ड कैप्टन अमेरिका का मुकाबला वो कर नहीं पाएगा। एक मिनट ये तो सामने ही रहा मेरे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे ढूंढने की मुझे। कैप्टन अमेरिका तू मुझे मिल ही गया, तू क्या अपनी शील्ड पहन के खुद को छुपा रहा है?
लेकिन मैं गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका हूँ, तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। यही तो मैं देख रहा था, अरे तू मुझे नहीं मार पाएगा अब, क्योंकि मैं देखो मैं भी गोल्ड में अपग्रेड हो चुका हूँ। अब देखते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल। देखना मैं तेरे को कैसे ना चटनी बनाता हूँ तेरी, और तुझे सबक सिखाता हूँ। ओके गाइस, ये तो मेरे को पीटने शुरू हो चुका है, और ये मेरे को मार रहा है, ये सामने की तरफ रहा। ये ले अब खतरनाक हैमर की मार। अब मैं इसे बताता हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल बना हुआ है ना, लेकिन अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में कैप्टन अमेरिका ओपी लिख दो, और ये देखो मैं इसे मार रहा हूँ और ये मर चुका है। फाइनली गाइस जो थोर का हैमर मेरे पास आया है, इससे लाइटनिंग स्ट्राइक निकली और ये जलकर राख हो चुका है। कैप्टन अमेरिका के गोल्ड सूट से कोई भी पावरफुल नहीं है, मुझे भाग कर अब जाना होगा। रेड स्कल को भी मैंने मार दिया। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मैं तो जा रहा हूँ कैप्टन अमेरिका के पास, शिनचैन किंगचैन और जो भी मेरा वेट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।